आपको, तो D2, D3, D5, ठीक है, फोर इसके अंदर की जो नॉब को प्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा D1 SL1, साथ चारों डोर आपके अनलॉक होंगे। नमस्कार मित्रों, मैं ओम त्यागी, आपका होस्ट, अपने यूट्यूब चैनल ओम त्यागी ऑटोमोटिव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ब्रेजा के बारे में, मारुति ब्रेजा के बारे में। उसके अंदर आपको मैं जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर जो सेटिंग है उसके बारे में आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसके अंदर किस तरीके से आप इसकी जो सेटिंग होती है स्पीडोमीटर में, डोर की सेटिंग जो होती है उसको कैसे आप कर सकते हैं। किसी भी को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कभी भी, तो मैं आपको बताता हूँ कि इन सेटिंग का क्या काम है, डोर वगैरह सेटिंग की किस वजह से क्या वर्क करते हैं, क्या चीज़ होती है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, सारी वीडियो देखिएगा साथ ध्यान से, मैं आपको सारी एक चीज़ डिटेल में आपको बताऊँगा किस किस तरीके से इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना पड़ेगा, क्या चीज़ कैसे कैसे क्या वर्क करते हैं ये। तो आपको स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन करने पर मैं आपको बता देता हूँ, राइट हैंड साइड में ये आपकी नोब है इसकी और एक लेफ्ट हैंड साइड में नोब है, ठीक है। तो ये दो नोब होती हैं इसके अंदर, एक राइट हैंड साइड की नोब है और लेफ्ट हैंड साइड की नोब है। तो अभी आप देखेंगे तो मैं इसको अगर प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर एवरेज आ रहा है, रेंज आ रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं इस चीज़ को यहाँ पे, तो इसके अंदर एक तो देखिए रेंज आ रहा है यहाँ पे और एक इसके अंदर आपका एवरेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब मैं आपको बताऊँ रेंज पर, जब आप रेंज को आप मान लीजिए एक नंबर एक, ठीक है। अब रेंज पे हम उसके बाद एक बार प्रेस करूंगा इसको मैं, तो ये किलोमीटर पर लीटर आ जाएगा। तो इसको अगर मैं फिर 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूंगा राइट हैंड साइड की नोब, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, राइट हैंड साइड की जो नोब है उसको 3 सेकंड तक दबा के रखना है तो आपको ये डोर का आ जाएगा। अब डोर करने पर इसको मेरे हाथ देखिए, राइट हैंड साइड का जो हाथ है ये जो नोब है ये वाली, अगर इसको आप हम फिट करेंगे, घुमाएंगे, ट्विन करेंगे तो इसमें आपका लाइट आएगा, सिक्योरिटी आएगी और डिफॉल्ट आएगा। तो आगे हम उसके बाद एंड, उसके बाद दोबारा इसको करेंगे तो डोर, उसके बाद माँ आपकी लाइट, उसके बाद सिक्योरिटी और उसके बाद डिफॉल्ट। तो ये चीज़ है एंड, उसके बाद में डोर आ गया। तो फ्रेंड, हम इसी के बारे में बात करेंगे, आप डोर के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर बाकी वीडियो में आपको बाकी फंक्शन के बारे में आगे बताऊंगा दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम आप डोर सिर्फ डोर के बारे में बात करेंगे। तो डोर को जैसे हम इसको नोब को राइट हैंड साइड की नोब को प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखिए D1 आ रहा है, इसके अंदर D1 है और उसके बाद में आप इसको घुमाएंगे अगर नोब को तो D2, D3, D5, ठीक है, 4 इसके अंदर नहीं है, ठीक है सर। तो बैक आ जाइएगा, उसके बाद में फिर नंबर वन आ गया आपका D1, तो D1 के अंदर क्या है, D1 को जैसे ही आप राइट हैंड साइड की जो नोब को प्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा D1 SL1, ठीक है। तो D1 SL1 में क्या दिक्कत क्या कहता है, अगर हम उसके बाद में एक चीज़ है आपका SL2, उसके बाद में बैक आ गया, ठीक है। तो D1 में दो फंक्शन है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, SL1 और SL2, ठीक है, SL1 और SL2 है इसके अंदर। तो SL1 क्या काम करता है, SL1 में अगर आप जब भी गाड़ी को लॉक करेंगे, जब भी आप गाड़ी को, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसके अंदर है, SL1 पर जब आप रिमोट से गाड़ी को अनलॉक करेंगे, अब मैं रिमोट से अनलॉक करी तो क्या होगा, तो एक साथ चारों डोर आपके अनलॉक होंगे SL1 पर। जब आप, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताने दे रहा हूँ, SL1 जो इसके अंदर आ रहा है, अगर SL1 को सेलेक्ट किया, क्योंकि जिसके अंदर AB आ रहा है ऊपर, AB को अगर आप, AB का मतलब है कि ये SL1 आपका सेलेक्ट है, तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सक्सेस हो जाएगा, देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस गाड़ी को चाबी से अनलॉक करेंगे तो चारों डोर जो है एकदम ओपन हो जाएंगे और अब ऐसा लग गया, ठीक है, अब SL2 आ गया। अब अगर SL2 को आप प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि रिमोट से जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो क्या होगा कि एक दरवाजा,
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट राइट हैंड साइड का जो दरवाजा है पहले वो अनलॉक होगा राइट हैंड, उसके बाद रिमोट के की को आप दोबारा प्रेस करेंगे अनलॉक के लिए, तो फिर दूसरे बार में आपके चारों डोर जो बाकी के तीन डोर हैं वो अनलॉक होंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी SL1 पर कर देता हूँ। ये इसलिए सिक्योरिटी फीचर इसलिए दिया है कि क्या होता था फ्रेंड की पहले पीछे आपका लैपटॉप रखा हुआ है और आप जब जाते थे तो क्या होता था कि पहले जब जाने से 10 कदम या 15 कदम पहले आप गाड़ी को अनलॉक कर देते थे, तो लेफ्ट हैंड साइड के पीछे का जो आपका लैपटॉप रखा हुआ था, किसी ने कोई पीछे खड़ा होगा, डोर खोलेगा और एकदम से निकाल कर ले जाएगा, क्योंकि चारों डोर ओपन होंगे उसके। तो ये सिक्योरिटी फीचर सिलेरियो से मारुति ने देना शुरू किया है कि उसका फंक्शन क्या है कि जैसे ही आप एक बार अगर आप SL2 पे इसको रखेंगे तो जैसे ही आपका आप डोर को एक बार अनलॉक करेंगे की से चाबी के रिमोट से, तो क्या होगा कि दूसरा वाला जो मतलब एक ही डोर ओपन होगा आपका, तीन डोर लॉक रहेंगे आप, फिर उसके बाद दोबारा आप बटन दबाएंगे तो चारों डोर अनलॉक होंगे। तो ये आपको मैं बता दिया मैंने आपको कि इस SL1 और SL2 का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अभी मैंने जो सेट किया हुआ है ये किया हुआ है SL1 पर। ठीक है, अब उसके बाद इसको सक्सेस कर दिया अंदर को, अगर इसको प्रेस कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं SL D2 पर। ठीक है, अब D2 के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर भी दो फंक्शन है, D2 SL1 और D2 SL2। ठीक है, इसके अंदर भी दो फंक्शन है। तो D2 आपका क्या कहता है कि D2 का मतलब है अगर आपकी गाड़ी आप गाड़ी को लेके चले और चलने के बाद में आपके डोर को आपको मैनुअल ही लॉक करना पड़ेगा D2 SL1 पर। ठीक है, और अगर आप ये देखिए SL2, अगर आप D2 SL2 पर इसको सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ ये जो AB लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब ये है कि D2 SL2 पर आपका जो डोर गाड़ी है ये सेलेक्ट है। इसको प्रेस करके मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको यहीं पे रखिएगा आप। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप चलेंगे तो 20 किलोमीटर की स्पीड पर जैसे ही आपकी गाड़ी आएगी, 20 की स्पीड पर जैसे ही आपकी गाड़ी आएगी तो क्या होगा, आपके जो डोर हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही आप इसको D2 SL2 पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जो डोर हैं आपके ये ऑटोमेटिक 20 की स्पीड पर लॉक हो जाएंगे। और अगर ये सेलेक्ट SL1 पर है, D2 SL1 पर अगर सेलेक्ट है तो क्या होगा आपका कि डोर जो है वो मैनुअल आपको लॉक करने पड़ेंगे। ये हो गया आपका SL2 का। ठीक है, अब हम इसके आ जाते हैं इससे बाहर। अब आ गया आपका D3। अब D3 का क्या मतलब है, D3 पे मैंने आ गया है तो D3 को जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं तो इसके अंदर D3 SL1 और D3 SL3 है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ही आप मैनुअल व्हीकल के जो लॉक व्हीकल जो लॉक अनलॉक करने होंगे, जैसे आपको मैं आपको बता देता हूँ D3 से क्या है कि मैनुअल जो आपको मैनुअल ही गाड़ी को आप लेके चल रहे हैं 20 की स्पीड पर डोर लॉक हो गए हैं। ओके, अब गाड़ी को रोक दिया आपने, रोकने के बाद जैसे ही आपने चाबी निकाली तो गाड़ी का जो डोर है वो ओपन नहीं होगा आपका, आपको मैनुअल इस वाले बटन से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो वाला बटन, ये जो बटन है इससे आपको अनलॉक करने पड़ेंगे जैसे मैंने किया है। ठीक है, ये जो मैंने किया है ये अनलॉक हो रहा है, जब आप गाड़ी को रोकेंगे तो ये अनलॉक मैन्युअली करना पड़ेगा। अब क्या चीज़ है इसके अंदर मैं आपको देखिए, अगर आप इसको D3 SL1 पर इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको मैन्युअली ही अनलॉक करने पड़ेंगे ये। ठीक है, जैसे मैंने सक्सेस कर दिया ये वाला, तो अब आपकी गाड़ी जब आप लाके रोकेंगे गाड़ी को तो ये अपने आप गाड़ी नहीं खुलेगी, आपको इस वाले बटन से ये अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, D3 SL1 पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में अब आ गया 2 नहीं है इसके अंदर। 2 में क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी इसके अंदर 2 नहीं है क्योंकि ये मैनुअल गाड़ी है। अगर ये ऑटोमेटिक गाड़ी होती रेजा
तो टू का ऑप्शन इसके अंदर होता, उसमें क्या होता है कि अगर जैसे ही पी पे आप इसको लेकर आएंगे गेयर लीवर को, तो गाड़ी के डोर जो है अपने आप ही अनलॉक हो जाते हैं। तो इसमें टू नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब ये थ्री है इसके अंदर, अगर थ्री को आप सिलेक्ट करते हैं, अब देखिए मैंने थ्री को सिलेक्ट कर दिया है। अब थ्री सिलेक्ट करने पर क्या होगा, जैसे ही आप गाड़ी को लेके यार चले 20 की स्पीड पर आपका डोर लॉक हो गया, उसके बाद में जब आपने गाड़ी रोकी, रोकने पर क्या होगा कि आपके डोर जैसे ही आप चाबी को निकालेंगे तो डोर अपने आप ही अनलॉक हो जाएंगे। समझे मेरी बात को, ये डोर अपने आप ही अनलॉक हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अनलॉक होंगे। अब देखिए मित्रों कि ये मैं गाड़ी को देखिए, गाड़ी लॉक है, ठीक है, स्टार्ट है और गाड़ी के डोर लॉक है। अब देखिए मैंने इसको SL3 पर इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखिएगा इसको मैंने बंद किया, बंद करने के बाद जैसे ही चाबी निकालूंगा मैं, तो देखिए ये अनलॉक हो गई है। तो ये फंक्शन होता है आपका, ठीक है, D3SL, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया है। तो इस तरीके से D3SL3 में आप सेलेक्ट करके इसको डोर को अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी रुकने पर, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये AB का मतलब है कि ये सेलेक्ट है। अब आप उसको वापस, नोब को आप वापस करेंगे, SL1 है, SL3 है, 2 इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है। अब इसके बाद में बैक आ जाते हैं अगले फंक्शन पर। इसके बाद इसको नोब को हम प्रेस करते हैं एक बार, उसके बाद बाहर आ जाता है। अब ये आपका आ गया। अब आ गया आपका D5। तो D5 4 नहीं है इसके अंदर। D5 के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। D5 के अंदर क्या ऑप्शन है, इसके अंदर D5 SL1 और D5 SL2, ठीक है, उसके बाद बैक आ गया। अब मैं आपको D5 SL1 का मतलब क्या है कि जब आप गाड़ी को रिमोट से लॉक करेंगे तो एक बीप की आवाज सुनाई देती है। बीप की आवाज लॉक करने पर 1 बीप और अनलॉक करने पर 2 बीप की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो इस पर SL1 पर ये बीप की आवाज आपको आएगी। अब आ गया आपका D5 SL2। SL2 में इस मोड पर जब आप डोर को लॉक या अनलॉक करेंगे तो ये आवाज नहीं आएगी, इस पर बीप की आवाज नहीं आएगी D5 में। तो दोस्तों ये थी डोर की सेटिंग्स, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अब आपका A1, आपका D1 का भी हो गया, D2 का भी हो गया, D3 का भी हो गया, D5 का भी हो गया, ठीक है। अब बैक आने पर इसके बाद डोर का आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये वीडियो। अब इसके बाद में एक फंक्शन होगा आपको मैं बता देता हूँ, इसके बाद में उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में लाइट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आपको एक ही फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लॉक होती है इसको कैसे ठीक से करते हैं। तो मैं आपको क्लॉक के बारे में बताता हूँ। ये 2 नोब हैं, आपको दिखाई दे रही है 2 नोब। 2 नोब को अगर आप इसको लेफ्ट हैंड वाली नोब को आप प्रेस करके रखेंगे, आप देखिएगा ध्यान से इस वीडियो को, लेफ्ट वाली जो नोब है उसको प्रेस करके रखिएगा, उसके बाद में राइट हैंड की जो नोब है उसको एक बार दबाइएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। तो देखिए आप, ये 12:52 इस टाइम हो रहे हैं, तो ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया है घंटे की सुई, घंटे वाला जो ऑप्शन है। तो इसको आप आगे या पीछे इसको टूट करके कर सकते हैं, ट्विन होती है ये, घूमती है ये जो नोब है। एक बार आप दबाएंगे तो एक, ये दोबारा पीछे वापस करेंगे तो 11, ठीक है। तो इसको आप दबा सकते हैं। और जब आप इसको घंटे वाला एडजस्ट कर लें, उसके बाद में फिर एक बार इसको प्रेस कीजिएगा, उसके बाद में फिर आप ये सेकंड मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाला जो बिलिंग करना शुरू कर दिया है जो मिनट होती है, तो इसको आप आगे या पीछे इसको कर सकते हैं। जब ये सेट हो जाए उसके बाद फिर दोबारा इसको आप दबा दीजिएगा। तो टाइम इस तरीके से, डिजायर, मारुति की डिजायर है और आपका न्यू डिजायर, ओल्ड डिजायर, ब्रेजा, बलिनो, सब में लाइट का यही फंक्शन है। तो अभी फ्रेंड ये थी वीडियो, आपको इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी इस वीडियो के बारे में बताइएगा।